भोज भी होता था इस पानी से। एकदम हरियर कचोट पानी पिए चले हम तो वही से। और आज वही सब पानी, ये पानी पीता था, अखनी प्यास लागले खूब पीती है। और आज ऐसी दुर्दशा हो गई है कि इस पानी को देख के ही लोगों को डर लगता है। हो जाए तो और अति सुंदर। इसमें हम लोग नहाते थे, इस पानी से हमारे यहाँ भोज भंडारा होता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है, पानी गंदा हो गया है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल, और अभी हम लोग इंडो नेपाल सीमा के उस तटीय इलाके में हैं जहां से मधवापुर पंचायत का रामपुर मधवापुर और मुसरनिया, नेपाल का मुसरनिया गांव जो है मुखियापट्टी पंचायत का, वो दोनों अलग अलग होता है। और यहां इसके बीचों बीच जो है यह धौंस नदी बहती है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि धौंस नदी का पानी, यहाँ हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, काफी उम्रदराज जो लोग हैं वो बताते हैं कि कभी इसके पानी का उपयोग लोग पीने के लिए करते थे, बर्तन धोने में इसका उपयोग होता था, खाना बनाने में इस पानी का उपयोग होता था। और आज इस ऐसी स्थिति आ गई है, इस जल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पानी है यहाँ पे। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को, और यह स्थिति है फिलहाल, देख सकते हैं आप कि कितना जो है पानी इसका गंदा है। बताया जाता है कि महेंद्र नगर या नेपाल के ही किसी हिस्से से कोई कूट फैक्ट्री का पानी जो है इस नदी से होकर के आता है, जिसके कारण यहाँ इस नदी का जल जो है इतना दूषित हो गया है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रदूषित हो गया है यहाँ का जल, और कितनी बीमारियों को यह जन्म दे रहा है। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, जो सीमाई इलाके के जितने भी लोग हैं, अमूमन इस पानी का उपयोग अभी भी करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे वो दिखाई दे रहा है, वहाँ एक जेनसेट लगा हुआ है और जेनसेट के माध्यम से खेतों तक यह पानी जो है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। और उसके बाद धौंस नदी के तट का इलाका है, तो यहाँ सब्जी भाजी भी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपजाई जाती है। और सब्जी भाजी जो उपजाई जाती है, उन सब्जी भाजी के जहरीले होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह का पानी है इस धौंस नदी का फिलहाल, जो बताया जाता है कि किसी कारखाने से निकला हुआ पानी इस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इसका पानी इतना दूषित हो चुका है। और लगातार इस पानी के दूषित होने के कारण ऐसा संभव है कि हमारे यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के इस इलाके के जो लोग हैं, वो इस पानी से उपजा हुआ सब्जी, इस पानी से उपजा हुआ दाना पानी खाकर विभिन्न तरह के रोगों के शिकार हो रहे हैं। और एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल, दोनों ओर के प्रशासन इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। है तो बहुत जटिल समस्या है इस इलाके की, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई सरोकार इसकी तरफ नहीं दिखता है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण महतो। घर कहाँ हुआ? मुखियापट्टी मुसरनिया। क्या लगता है, यह जो पानी अभी इतना गंदा हो गया है, इस पानी का उपयोग अगर हम लोग अपने खेतों में कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं, या कोई भी काम में कर रहे हैं, तो इससे बहुत तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न होती होंगी, ऐसी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, मनुष्य के लिए तो हानिकारक है जी, माल मवेशी पानी पीता है, स्नान करता है, धोते हैं हम लोग, तो इसलिए हानिकारक है जी। लेकिन जमीन के लिए फायदा कारक है, जमीन के लिए फायदेमंद है, जमीन उपजता है इस पानी से, इस पानी से, क्योंकि खर पतवार का सरा हुआ है, पानी गंदा है, और मनुष्य के और मवेशी के लिए हानिकारक है। तो क्या चाहते हैं कि यह जो नदी का पानी गंदा है, यह स्वच्छ होना चाहिए? जी, हम तो चाहते हैं कि शुद्ध हो जाए तो और अच्छा। क्यों गंदा है, इसका कारण अगर पूछे? महेंद्र नगर में कूट फैक्ट्री है ना जी, जी कूट फैक्ट्री का वो खर पतवार जो सराता है जी, वो खोल देता है इसी में। अच्छा, इसके कारण ऐसी है महेंद्र नगर, इसी के कारण ऐसी स्थिति है। कारण महेंद्र नगर से इधर है गड़बड़, उधर नहीं है, उधर साफ है इसका पानी। लक्ष्य जो हो जाए तो और अति सुंदर। इसमें हम लोग नहाते थे, इस पानी से हमारे यहाँ भोज भंडारा होता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है, पानी गंदा हो गया है, मतलब ऐसी स्थिति हो गई। क्या क्या बता रहे थे आप कि पानी के गंदगी के कारण कुछ ऐसी बीमारियां? हम लोग पानी को हेल करके जो इस पार उस पार जो हो जाते हैं, तो ठेहुना का बीमारी बढ़ जाता है, दर्द होता रहता है ज्यादा। तो मतलब सीमाई इलाकों के लोग तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं यहाँ का जो, इसलिए हम लोग लचका वो चचरी बांध दिए, बना दिए। ठीक, हमारे साथ नेपाल की तरफ से आ रहे एक और काफी वरिष्ठ उम्र के व्यक्ति हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? लट्टू यादव। कहाँ घर हुआ? मुसरनिया। तो आपकी उम्र कितनी होगी पहले ये बता दीजिए आप? 65 वर्ष। अच्छा, 65 वर्ष की आपकी उम्र है। अमूमन 7-8 सालों में लोग दुनिया को जानने लगते हैं जी।
आप अपने उम्र के इस इतने लंबे पड़ाव में आप इस धौंस नदी का हम लोग आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। यह जो धौंस नदी आपके पीछे बह रही है, यह क्या इसका पानी ऐसा ही हुआ करता था या इससे कुछ अलग था पहले के जमाने में जब आप लोग बच्चे थे? साफ था, पहले साफ था जी। मतलब समय के साथ यह गंदा होता गया, गंदा हो गया। तो इसका कारण क्या बताते हैं यहाँ, मतलब जो गंदगी, जो पानी गंदा यहाँ से? फैक्ट्री का पानी आती है। कहाँ से? जनकपुर से। जनकपुर, महेंद्रनगर की जनकपुर? जी वह महेंद्रनगर, महेंद्रनगर से। हाँ। अच्छा, इस पानी से कभी ऐसी कोई शिकायत भी होती है लोगों को कि इस पानी से? शिकायत नहीं हुआ है। नहीं। खेती के लिए भी अमूमन उपयोग में ला रहे हैं इसको? हाँ, जी। खेतियों में नहीं कोनो गर फायदा, खेती में भी गर फायदा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो यूज करते थे वो अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है, प्रदूषित है, इसलिए? जी, थोड़े दिन हट गए। जी जी। फिर बीच में 6 महीना नहीं चल, अभी चलिए। जी जी। जैसे फिर आवाज़। ठीक ठीक। अपने दर्शकों को यह बता दें कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन का जो अवधि आया था, जितने दिनों तक लॉकडाउन की अवधि रही उतने दिनों तक इसका पानी साफ रहा, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, भारत और नेपाल दोनों देशों में जैसे ही जनजीवन सामान्य हुआ, तो उसके बाद से फिर इस नदी के माध्यम से जो है नेपाल के महेंद्रनगर स्थित किसी कार्टून फैक्ट्री का जो प्रदूषित पानी है वो इसमें डंप किया जाने लगा, और जिसके कारण इस नदी की बदहाली आप देख सकते हैं। धौंस नदी हमारी मान्यताओं में पवित्र हिमालय की गोद से निकलने वाली इस नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ का दर्जा दिया ही नहीं जाता बल्कि माँ की तरह इसको रखा जाता है, पूजा जाता है। और उसके बाद इस नदी की दुर्दशा जो आज बन गई है, कारण चाहे जो भी हो, सीमाई इलाका है, इस तरफ भारत का हिस्सा है, उस तरफ नेपाल का हिस्सा है। हमारे साथ नेपाल के ही मुसरनिया गांव के कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामदास यादव। कहाँ घर हुआ? मुसरनिया। क्या यह नदी का जो पानी अभी इतना गंदा है, आप लोग अपने बचपन में भी इसी तरह गंदा देखते थे? पानी गंदा नहीं चले, फैक्ट्री के पानी से गंदा है। और पानी, अच्छा, इस पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता था, अगर बात करें पानी के उपयोग की तो? पहले इस पानी से बहुत उपयोग होता था पहले। क्यों? भोज हो चलिए, नहाए चलिए, पानी पिए चलिए, हम भोज भी होता था इस पानी से? एकदम हरियर कचोर, पानी पिए चलिए हम सब वही से। और आज वही सब पानी, यह पानी पीता था। हाँ, कतो से बटो ही आ गया, यह पानी पीता था। यही पानी अखनी प्यास लगा ले, खूब पीती है। और आज ऐसी दुर्दशा हो गई है कि इस पानी को देख के ही लोगों को डर लगता है। स्नान भी नहीं करता है, स्नान भी नहीं करता है। कौन करेगा? कुल्लो नहीं करता है। फैक्ट्री का पानी जाता है, लैट्रिन सब का पानी, पूरा लैट्रिन नाला का पानी सब खोल देते हैं। क्या कहते हैं, लैट्रिन का हाउस का पानी जो है ना, इसे कचरा है, इसमें गिरा देता है। कचरा है, आता है गाड़ी से लाते हैं, इसमें फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो व्यावहारिक समस्या है सीमाई इलाकों के लोगों को, आदमी की बीमारी होगा नहीं होगा? तो इस तरीके से हम लोग अभी भारत नेपाल सीमा के मधवापुर रामपुर मुसरनिया की सीमा पर खड़े हैं। यह धौंस नदी है, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। और आज इस नदी की जो बदहाली है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफी टीस देती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पानी का उपयोग पहले खाना बनाने में भी किया जाता था, भोज भी होता था सामूहिक, जो हमारी संस्कृति में जो भोज होता है वो सामूहिक भोज भी होता था, तो इसी नदी के पानी से जो है खाना तैयार किया जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी दुर्दशा है, इस नदी की जो दुर्दशा हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना काला पानी है इस नदी का, और इस नदी के इस काले पानी के कारण यहाँ के लोग इस पानी को छूने से भी कतराते हैं। पवित्र हिमालय की गोद से निकलती है यह धौंस नदी, और वहां से निकलकर जब यह हमारे इस मिथिला के बहते हुए जब गुजरती है, तो यहाँ के लोग जो हैं इस नदी को, जो हमारी धौंस नदी है, इसको माँ का दर्जा देते हैं। यहाँ की मान्यताओं में धौंस नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, और यहाँ के लोग माँ की तरह इस नदी को पूजते भी हैं, प्यार करते हैं इस नदी से। लेकिन गलती चाहे भारतीय प्रशासन की हो या नेपाल के प्रशासन की, लेकिन आज गलती किन्हीं की भी हो, इस तरह से इसको जो है इसको बदहाल बना दिया गया है, इसकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि इस माँ को माँ कहते हुए भी यहाँ के स्थानीय लोगों को शर्म आती है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस नदी के प्रदूषित होने का मुद्दा भारत के संसद में भी गूंज चुका है। जो हमारे मधुबनी के सांसद हैं भाजपा के, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, उन्होंने भारत के संसद में भी इस नदी के प्रदूषित होने को लेकर और इस नदी के फिलहाल जो इस नदी की दुर्दशा है उसको लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया था, और यह मुद्दा भारत की संसद में भी गूंजा है।
यह नदी आगे जाकर जो है अखरहर घाट के समीप पवित्र यमुनी नदी के साथ मिलती है। वहां पे पवित्र संगम तट है, यहां जहां यमुनी का मेला जो है लगता है, कई मेले वहां आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस धौंस नदी के पानी की दुर्दशा से मानो यहां के लोग अब उब चुके हैं। इसकी जो बदहाली है वो लोगों को देखी नहीं जा रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस नदी की जो कलकल धारा जो बहती थी, जो स्वच्छंद रूप से बहती थी, उस स्वच्छंदता और कलकलता को वापस लाने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।